ना दिल्ली नू कूच करना है, पर उहदे लई साडी रणनीति की होनी चाहिए, साडी तैयारी की होनी चाहिए है। जे असीं इत्थों तुर के शंभू बार्डर नू हो जाने हैं, अगलिया ने साडे पछाड़ा मछूड़ा मार के डांगा डूंगा मार के वापस भेज देना है, ते जिहड़ा संघर्ष है इहदी फूक निकल जानी है, ठुस हो जाना। ऐवें नहीं उत्थे गुरद्वारा दी डांगा पै जांदियां, ऐवें नहीं उत्थे चार चार सौ सरूप अपने तौर पर साफ ले जाते। वो पंजाब का किहड़ा कुदरती स्रोत, वो पंजाब की किहड़ी मंग, वो पंजाब का किहड़ा हक है जिहड़ा बादल वर्गे ने सेंटर कोले बेचिया नहीं। ऐतू वड्डी लानत साडे ते की हो सकती है कि जिहड़ा इंसान साढ़े 25,000 लाशा लभदा लभदा आप खुद एक लावारस लाश बन गया, यार उहदे बारे पता तक ना होवे कि कौन है। ये पता नहीं होना, एक किसानी अंदोलन है, कईआं नूं ये भी लगना कि यार गल्लां होर पासे पा लईआं, पर मैं नहीं समझदा एक किसानी अंदोलन है, ये साडी होंद दा अंदोलन है, साडी हस्ती दा अंदोलन है। समा बड़ा भयानक आना है, खतरनाक दौर उन्हें आना है, इतों बाद हमले तिखे होने ने, तेज होने ने, हमले खतरनाक होने ने। दिल्ली दे विच जदों 84 दे विच कतलेआम होया सी ना, जिन्ना बंदियां कोले अपनी रक्षा लई हथियार सीगे वह बच गए, जिहड़े निहत्थे सी अगले ने टायर पा पा के फूकते। ये मेरी गल नूं कोई IAS बंदा भी सुनूगा, IPS बंदा भी सुनूगा, होर जिहड़े अफसरशाही दे लोग ने वह भी सुनणगे। मैं उन्हां नूं भी कहना चाहुंदा कि दिमाग दे विच भरेखा ना रखियो कदे, ये वहम ना रखियो कदे कि असीं तां जी हद ते लड़ के आए हैं, 20 साल इस देश की सेवा की है, अज्ज दा सिस्टम का हिस्सा है। किसी ने नहीं पुछना जिद्दे थोड़े अगले ने देखना भी सिर ते दस्तार है, ला दिओ गाटा फूक दिओ। एक तो बड़ी खुशी वाली गल है कि मेरे सामने माझे दे विच्चों नीलियां पीलियां दस्तारां सौंदियां ने। माझे वालिओ, माझा हमेशा ही संघर्षां दा, अंदोलनां दा, लहरां दा गढ़ रहा है, तो माझे ने मार भी बड़ी झली है, चाहे 47 होवे, चाहे 84 होवे, ते चाहे उदू बाद जिहड़ा सानू चट्टे नाल मारिया गया, सब तो ज़्यादा संताप उहदा माझे ने हंडाया। पर चंगी गल है कि असी हमेशा ही, मैनू भी लगता हुंदा सी कि यार साडा नौजवान नशिया ने खा लिया, चिट्टे ने खा लिया, पर अज देख के लगता जो मैं नौजवानों सड़कों पर देखदा जोश भी है तो होश भी है, तो खुशी हो रही है कि नौजवान अपने पंजाब नूं बचाने लई, अपनी होंद नूं बचाने लई लड़ूगा, संघर्ष करूगा। पर लोड़ हुंदी है, कई बारी की हुंदा कि असी कल्ले जोश तो कम लैने हैं, जोश दे नाल होश दा होना बड़ा जरूरी है। दुनिया दे विच जिन्नियां मूवमेंटां, जिन्नियां लहरां, जिन्ने संघर्ष लड़े गए ने, जिन्ना लहरां दी गवाही चंगे हत्थां च रही है, योग हत्थां दे विच रही है, वह लहरां कामयाब होईयां ने, वह संघर्ष जिते गए ने। जिन्ना दी अगवाई माड़ी हो जाती है, असी सही राह नहीं दिखा सकते, तो लहरां फेल हो जांदियां ने। आओ नौजवान है, आओ कौम दे लोग ने जिहड़े चब्बे दी धरती दे भी लखां दा इकट्ठ कर दिंदे ने, बरगाड़ी दे विच भी लखां दा इकट्ठ कर दिंदे ने। लगता सी उदों भी कौम नूं कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई प्राप्ति होगी, पर उदों साडी अगवाई जिहड़ी मैं समझदा योग हत्थां दे विच नहीं होई, सही राह असी नहीं दे सके। असी 47 तो लै के ही, 47 तो लै के असी आई भटकते फिरते हाँ। जदों ही कोई सानू माड़ा जा कोई राह दिखाउंदा है, असी उहदे मगर हो जाने हैं। जे कोई धार्मिक बंदा आ गया असी उहदे नाल, कोई सियासी बंदा आ गया असी उहदे नाल, कोई समाजिक बंदा आ गया असी उहदे नाल हो जाने हाँ।
पर पई साडे पल्ले निराशा ही है। सब तो अहम गल यह है जो असी सारे उहदे 25 नूं शंभू दे बार्डर ते सीगे तां विचों नौजवानां ने कहा कि भाई चलो दिल्ली वल चाले पाउने आ, तां मैं उहदे भी गल बोली सी। हुण भी मुंडे फोन करदे ने, स्नेहे भेजदे ने कि भाई चलो दिल्ली कूच करदे आ, दिल्ली कूच करदे आ। तां असीं दिल्ली नूं कूच किवें करना, दिल्ली नूं कूच करना है, पर उहदे लई साडी रणनीति की होनी चाहीदी, साडी तैयारी की होनी चाहीदी है। उहदे भी मैं कहा सी कि मैं कहा जे असीं इत्थों तुर के शंभू बार्डर नूं हो जांदे आ, अगलियां ने साडे बछाड़ा मछूड़ा मार के डांगा डूंगा मार के वापस भेज देना है, ते जिहड़ा संघर्ष है इहदी फूक निकल जाणी है, ठुस हो जाणा। असीं नहीं चाहुंदे, मन लो उत्थे असीं बग जांदे 10-20 बंदे, साडे तड़के अखबारां च नौ आ जांदे, चैनलों से चल पैंदे कि हाँ जी ये बंदे पुलिस नाल टकरा गए, हरियाणा बार्डर ते उन्हां टकरा गए, इन्हां दे बछाड़ां बचियां, डांगां बचियां। असीं सुरखी बन सकते सी, पर संघर्ष की कोई प्राप्ति नहीं होनी सी। सो हुण बारे काले बहुत तत्ते बहुत आ नौजवान कि भाई छेती छेती कोई प्रोग्राम दे दिओ। मेरी जिन्हां किसान जथेबंदियां ने पंजाब दियां, उन्हां नाल कल भी गल होई, अज भी असीं लुधियाणे मिलना जाके, कल नूं असीं हरियाणे दीआं जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां नूं जाके मिलना है। साडी उन्हां नाल भी गलबात चल रही है कि सानूं जिन्ना चिर असीं इक झंडे हेठां इकट्ठे नहीं हुंदे, असीं जित प्राप्त नहीं कर सकते। आपो अपनी डुगडुगी बजाई जावांगे, रौला पाई जावांगे, क्योंकि इत्थों जिहड़ियां रिपोर्टां ने सी आई डी रिपोर्ट दिल्ली तक जानी है। हुण सी आई डी रिपोर्ट तो यह भी जानी है कि यार इत्थे बाले दा जिहड़े नौजवान है वह गायकां ना गाउण वालिआं ना फोटोआं ही खिचाउण आए आ। फोटोआं खिचा लिओ, पर मसला बड़ा गंभीर आ भरावो। अगला साडी होंद नूं पिया होया, साडी हस्ती मिटाउण नूं फिरदा, दुनिया तो साडा नामो निशान मिटाउण नूं फिरदा। 100 साल का लग्या होया, हौली 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 वो इत्थों तक सीमित नहीं भी कल्ले पंजाब तक सीमित है, अगला कनेडा अमरीका अफ्रीका जिथे भी असीं बैठे हाँ उत्थों तक मंग रहा है। ऐवें नहीं उत्थे गुरुद्वारा से लड़ाइया पै जांदियां, ऐवें नहीं उत्थे 400-400 सरूप अपने तौर पर साफ ले जाते। ये समझना पऊगा। पहली गल तो मैं कहना कि जिन्ना चिर असीं समझांगे नहीं कि साडा दुश्मन कौन है, वह किन्ना खतरनाक है, वह किन्ना चलाक है, वह किवें सानूं खत्म करना चाहुंदा है, उन्ना चिर असीं लड़ नहीं सकते, ना ही जित सकते हैं। असीं जिहड़ी अपनी ताकत है वह होर पासे वरती जाने हैं, ऊर्जा अपनी होर पासे लाई जाने हैं। हुण सब तो वड्डी गल इह देखो, आपां आपस में ही लड़ी जाने हैं। धार्मिक जथेबंदियां साडे किन्ने धड़े है वह लड़ रहे हैं आपस में ही, प्रचारक लड़ रहे हैं धार्मिक, वह एक दूजे लत्तां खिच्चण ते लगे हुए है, अहीं सियासी लड़ रहे हैं। चलो सियासी बंदियां ने तो अपनियां वोटां का हिसाब किताब देखना हुंदा। हुण सुखबीर कहिंदा बई मैं रैली कढूंगा इत्थों आनंदपुर साहब तो अमृतसर तो मोहाली तक ट्रैक्टर रैली 1 तरीक की रखी हुई है। वो कहते असी भाई पहला कुर्बानियां 2 करतिया, वजीरी भी छड़ती, NDA भी छड़ता, गठजोड़ असी तोड़ लिया। कांग्रेस वाले कदे दिल्ली ट्रैक्टर फूक देंदे, कल दिल्ली फूकता, कदे शंभू बार्डर से फूक देंदे है, वो ऐस लोट लगे हुए ने। एक तो यह गल समझ लो कि उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ एको ही मिशन है, 2022 उन्होंने इस कट्ठ इस अंदोलन नू अपने हक च किवें वरतना भुगतना, उन्हों का निशाना यही है। कोई किसान ना दर्द नहीं, कोई पंजाब ना दर्द नहीं। आप देखते हैं यार वो केड़ा हित, वो पंजाब का केड़ा कुदरती स्रोत, वो पंजाब की केड़ी मंग, वो पंजाब का केड़ा हक है जिहड़ा बादल वर्गे ने सेंटर कोले बेचिया नहीं। पर दुख पता कदों हुंदा, आ बरगाड़ी मोर्चा भखिया होया सी, लोग सभा दीआं वोटां आ गईआं, असीं गल्लां करदे हुंदे सी, मैं कहा भी लोगों च बहुत रोह आ, बहुत गुस्सा है, तो हरसिमरत नहीं बठिंडों जितती, वो साडे जिले वालिआं ने बठिंडों हरसिमरत जिताती, तो आ माझे वालिआं ने इत्थों फिरोजपुरों सुखबीर जिताता, तो बीबी खालड़ा
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਏ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੇ 200 ਖੜਾ 400 ਖੜਾ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦੂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫੋਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਆਦਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ, ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਇਹੀ ਆਗੂ ਆ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜਾਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਂ ਸਮਝੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਗੱਲ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੂ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 50,000 ਦੀ ਕੋਈ ਰਫਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ IAS ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, IPS ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ।
मैं उन्होंने भी कहना चाहना कि दिमाग के बच्चे भरेखा ना रखियो कदे, ये वहम ना रखियो कदे कि असी तो जी हद से लड़ के आए हैं, 20 साल यह देश की सेवा की है, अभी तो सिस्टम का हिस्सा है। किसी ने नहीं पूछना जिदे छोटे अगले ने देखना भी सिर पर दस्तार है, ला दो गाटा फूक दौ। इदियां दो उदाहरणां दिंदा, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति सी, दिल्ली उहदी कार नूं घेर के अग लाती सी, अगले ने यह नहीं देखा कि देश का राष्ट्रपति है। जनरल अरोड़ा जिन्हें 90,000 कैदी छड़ा बंद कर लिया सी, कैदी बना लिया सी पाकिस्तान का फौजी, अगला ने उहदा घर भी घेर लिया सी, यह नहीं देखा सी मैंने देश की खातर की किया। ये किसी भुलेखे च ना रहो। मैं कहना भरावो हथियार शस्त्र रखने अपनी रक्षा लई, अपनी सुरक्षा लई, आपां किसे जुल्म करन लई नहीं रखने कि किसे नूं मारन लई रखने। तो दूजी गल मैं कहनी चाहुंदा, एक गल का ख्याल रखियो कि हुण सब तो जिहड़ी वो पता असी तां यार उत्थों तक सोच ही नहीं सकदे जिथों तक वह सोचदे आ, उहनां दी सोच शुरू हुंदी है। वो जिवें एक फिल्म दा सीगा, कबीर बेदी दी फिल्म सीगी, वह कहिंदा हुंदा फिल्म च, वह कहिंदा जिथों तुसीं सोचना पता नहीं सोचना बंद कर दें उत्थों मैं शुरू कर दें, जां जिथों साडी सोच पहुँचती है खत्म हो जाती है उत्थों तां मैं शुरुआत कर दें। वो इत्थों एडे एडे दिमाग ने, वह की कर रहे आ, साडे विच साडे चेहरे दाड़ियां रखियां होईयां ने, अमर छके होए ने, दस्तारा सजाईया हुई ने, पर बंदे उन्हां दे। असी ये गल का बहुत गौर नाल ख्याल रखना कि कई बार ना सानू इस तरह भी आता साडा चेहरा साडा बंदा है, साडे हक की गल करता है, पर की पता वह बंदा किहदा। हुण सोनू की पता, तुसीं मेरे दिल च बढ़ के देखा भी मैं बंदा किहदा, मैं किसी एजेंसी का बंदा हो सकदा कि सरकार का बंदा हो सकदा, क्योंकि जदों लोगों के बढ़ना होवे लोगों की पहला गल करनी पैंदी है, लोगों के हकों की गल, हितों की गल, फिर जो लोगों का भरोसा बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए, फिर बंदे वरतदे आ लोगों नूं, कौम नूं किवें मगर लाउणा। ये गल का खास ख्याल रखना है। तो तीजी गल, मैं चलो माझे दी धरती ते आया, इतिहासक धरती है, इत्थे गल जरूर करूँगा कि साडे बच्चे बड़े बखेड़े खड़े किए जाते हैं वख-वख ग्रंथों के उत्ते, धार्मिक ग्रंथों के उत्ते, बड़ा प्रचारकों द्वारा सानू भंबल भूसे च भी पाया गया, कौम दुचित्ती च पा दित्ती गई, दफाड़ हो गए, अद्धे उधर हो गए, अद्धे उधर हो गए। मैं एक ही गल कहना चाहना भरावो, भरोसा भरासा हुण बहुता सानू किसे रहा नहीं हैगा, क्योंकि साढ़े धार्मिक बंदे प्रचारक ने चाहे दूजे तीजे ने वह भी यह जी हो गए। एको ही गल कहूँगा, जे असी बचना अपनी कौम की होंद हस्ती बचा के रखना तो गुरु ग्रंथ साहब के गल लग जाओ। मैं अमृतसर पिछले दिन ही आया, जदों सरूपां दा मसला चल रहा, जिहड़ियां सरूप जिहड़े गायब होए ने, तां इक पत्रकार ने मैनूं सवाल करता, तां मैं उहनूं यही जवाब दिता सी कि यार सानूं गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगना चाहिए, सानूं किसे दे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उत्थे कई बंदयां ने होर मतलब कढ लिया उहदा। मेरा कहण दा मतलब यह है कि असी खुद पढ़ के ते खुद खोजना शुरू कर दईए। उहदे नाल पता की हुंदा, मैं भी नहीं सी पहलां पढ़दा, मैं भी हुण शुरू कीता कि एक तां साडे जिहड़ा हौसला पैदा हुंदा, प्रेरणा मिलती है सानू, एक निडरता, एक हौसला बनता बंदे दा, एक दिशा मिलती है, क्योंकि असी दिशाहीन हो गए हैं, साडे कोल कोई आगू नहीं हैगा जिहड़ा सानू दिशा देवे, ते सानू दिशा जिहड़ी दे सकदा गुरु ग्रंथ साहिब दे सकदा। तां मैं बार बार गल इस गल ते जोर दिंदा कि किसे दे मगर लगन की बजाय असी खुद ही गल ते आ गए। सो भरावो, अखीर दे उत्ते मैं गाउण वाले भरावां नूं भी गल कहनी चाहुंदा कि चंगी गल आ, धन्नवाद आ तुहाडा, तुसीं हंबला मारिया, नौजवान तुहानूं सुणदे ने, तां आउण वाले समें दे विच किते इह ना होवे कि ठीक है जी गाउण वालियां ने जां मेरे वर्गियां ने इत्थे उत्थे इकट्ठ कर ले, तो इकट्ठ करके जदों अगे झोने की वाढी शुरू हो गई जी, तो ब्याहां दा सीजन शुरू हो गया, खाड़े खुड़े लगन लग गए गाउण वालियां दे, उधर नूं ना भरावो हो जाइओ तुसीं। इन्ना कि मैं कहना चाहुंदा कि इह लहर नूं बनाई रखियो, क्योंकि संघर्ष लम्मा जाऊगा,
कहते आप कई बार छड़ जाने भी यार छड़ो निराश हो जाने हताश हो जाने भी छड़ दे यार बहुत समा सड़कों पर भी देख लिया नहीं कोई फर्क नहीं पैंदा संघर्ष ने जेड़े वो आई होंदे ने कदे भक गया तिखा हो गया कदे ठंडा हो गया मध्यम हो गया ऐं चलते होंगे आ सो गाउन वालों नूं यही कहना भी तुसी ये लगातारता जिहड़ी जे बनाई रखोगे जिवें धन्नवाद तुहाडा कि तुसी लगातार कई दिनों तो वख वख धरनियां मुजाहरियां दे उत्ते जामां दे विच आ रहे हो तुसी गवाही कर रहे हो नौजवानों नूं समझा भी रहे हो तुहाडा धन्नवाद है इस गल्लों पर इहनूं जिहड़ी लगातारता ये बनाई रखियो तुहाडी मैं कहना कि गाउन वालों की भी एक कमेटी बन जाए अड तुसीं गाउन वाले जिवें जथेबंदियां किसानां दीआं ने होर जथेबंदियां लड़ रहीआं ने ऐवें इक जथेबंदी जिहड़ी गाउन वालों की भी बन जाए ताकि तुसीं भी जिहड़ा लोकां नूं नौजवानां नूं प्रेरित कर सको क्योंकि जिहड़ी गल तुसीं समझा सकदे हो सानूं नवां नौजवान 15-16 साल वाले 18-20 साल वाले सुणदे ने तां उहनूं कोई होर बंदा गल नहीं समझा सकता क्योंकि जे उह तुहाडे शदाई ने तुहाडे मगर फुट मार खचाउण लई तावले हुंदे ने तो जदों तुसीं उन्हां नूं गल कहोगे तो उन्होंने सीधी गल दिल नूं लगेगी हुण तुहाडे गाउण वालों ने कहना रे मैं गीत भी सुनना कि इस मसले नूं लैके आ बिल नूं आ कानून नूं लैके गीत भी आए ने सो वह भी वधिया गल है गीतां राहीं भी प्रेरित करो अपने प्रचार राहीं भी प्रेरित करो उन्हां नूं समझाओ भी जिथे कोई सैल्फियां खिचाउण वाले भी आउंदे ने फोटोआं वाले आउंदे ने उत्थे भी समझाओ कि यार ठीक है फोटो खिचाओ कोई गल नहीं जी आया जिवें शंभू दे उत्ते बई जिहड़ा जस बाजवा है वो एक नौजवान फोटो खिचाउण आया भीड़ वाली सी तो फोटो आ जिहड़ी खिचाई ना गई बाई तो जस तो कहिंदा यार मैं एड्डी दूरों चल के आया तो मैं तेरा उपाशक है तो तू फोटो नहीं खिचाउंदा यार चंगा बंदा है गुस्से मसाले वालियां लोड़ां नहीं हैगियां लड़ाई यह साडी अपनी खुद की लड़ाई है असीं यह समझ गए कि पंजाब मेरा है ये किसी बंदे दे सियासी बंदियां दे जां होर बंदियां दे प्यो दा पंजाब नहीं ये लड़ाई मेरी है किसी दूजे बंदे की लड़ाई नहीं जथेबंदी की गायकों की किसी होर की नहीं ये मेरी लड़ाई है जिवें चाणक्या नीति दे विच गल आउंदी है मैं क्यों बार बार इस गल ते जोर दिंदा कि किताबां पढ़िया करो इतिहास पढ़ो बड़ा कुछ सीखण नूं मिलदा है चाणक्या नीति च गल आउंदी है कि विपता जिहड़ी विपता तो उन्ना चिर ही डरना चाहीदा जिन्ना चिर उह दूर होवे पर जो विपता तुहाडे गल पै जाए फिर डरीदा नहीं हुंदा पिछे नहीं हटीदा फिर लड़ीदा हुंदा हुण इह विपता लड़ाई साढ़े गल पैगी अगे जिंदगी है पिछे मौत है पछां हट गए तो समझ लो खत्म है अगलिया ने अगला फैसला लेना SYL का साडा पानी इत्थों कढ के लैके जाणगे उदू अगला फैसला आना है आ 2021 च मर्दमशुमारी आ रही है साडी जवान नूं खत्म करना है अगला फैसला आना है पूरे भारत के दरियावां नूं जोड़न की कोशिश कर रहे ने साडे दरिया ने जिहड़े सुक जाने ने क्योंकि हिमाचल तो साडा पानी मोड़ के गुजरात तक लिजाणा चाहुंदे ने सानू जमा ऐन कसियारे बना देने है मजारे बना देना है जमा निखत ते निकम्मे कर देना एक एक हमला करके एक एक गल समझिया करो मैं तां कहना दीन दुनिया की जानकारी रख्या करो अखबार खबरां नाल मत्था मार लिया करो चंगे पत्रकार ने NDTV वर्गे चैनल ने उन्होंने सुन लिया करो तो माड़ा मोटा तुहाडा अपना दिमाग रोशन होवे नहीं अभी जिहड़ा बंदा कहिंदा मेरे वर्गा बोली गया खुद नूं कोई पता नहीं कहना ठीक है जी हाँ आ बंदा सही गल करदा हुण आप नूं तां पता ही है नहीं कुछ हुण पत्रकार नौजवान जिहड़े मुंडे ने पत्रकार ने नौजवानां नूं आ के पुछदे आ इकट्ठां च कि जिहड़े 3 बिल पास होए ने आर्डीनेंस ने कानून बणिया की है सानूं तां पता नहीं जी उत्थे फिर साडी तुहानूं पता खिल्ली रुड़दी है साडा मजाक बनता है जिहड़े नैशनल चैनल ने कहा आह देखो ये लड़नगे लड़ाई जिन्हां नूं आर्डीनेंसां बारे नहीं पता बिलों बारे नहीं पता कानून बारे नहीं पता ये समझो मेरा वीर ये गल नूं पढ़िया करो जदों भी कोई इस तरह की गल आउंदी उहदे बारे तुहानूं जानकारी होनी बहुत जरूरी है सो भरावो अखीर दे उत्ते फिर मैं बार बार अखीर की गल करदा हुण अखीर नूं ही करूँगा कि लड़ाई नूं की रूपरेखा दित्ती जावे की इहनूं अगे दिशा दित्ती जावे किवें संघर्ष विढ़िया जावे तो सारिया किसान जथेबंदियों मैं क्यों गल करदा कि क्यों मैं उन्होंने इतों तक भी कहता मैं कहा तुहाडे मेरे नाल कोई निजी बखरेवे हो सकते हैं तुहाडे किसी होर बंदे नाल मतभेद हो सकते हैं इत्थे बखरेवियां की गल मतभेद की गल छड्ड के तुसीं अगे लग जाओ असीं तुहाडे मगर लगन नूं तैयार तुहाडा ही झंडा होगा वो मैं क्यों कहना बार बार गल उन्होंने अपनी जिंदगी दे 30-40 साल संघर्षां च गाले ने तजर्बे ने
संघर्षा किमें लड़िया जाता, किमें सरकार पिछे हटाया जाता, उन्हां दा दिमाग उन्हां दी रणनीति ते नौजवान का जोश कठ हौसला जे इकट्ठे हो जाण, इहदा समेल हो जाए तो लड़ाई जीती जा सकती है। सो अगली रणनीति सी उन्हां नाल ही मिलकर जिहड़ी तय करांगे सारी गलबात। काली ना करियो, तत्ते ना होया करो, बहुत काली करदा भाई छेती चलो छेती चलो, नहीं छेती चलांगे जाके टकरा के मुड़े आवांगे, घर च बह जाएंगे, ठुस है कम, हासिल तो कुछ होना नहीं। सो धन्यवाद सारिया का बहुत बहुत। एक मेरा वीर मैं गल कहनी चाहना कि जो कोई बंदा बोलता तो जयकारा बुलाया करो, जयकारे नाल साडे च ना अंदरों एक ताकत जी आउंदी आ बंदे दे अंदरों ही महसूस जहा हुंदा कुछ। ताड़ियां बजाउण दी बजाए ना जदों कोई बंदा बोल के हटदा जां गलबात हुंदी आ तां जयकारा छड्डिया करो, बोले सोनिहाल। धन्यवाद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।